वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम स्नेहा। तो आज के वीडियो में है शर्ट्स और सिर्फ शर्ट्स, और वो भी आई थिंक फुल स्लीव्स के शर्ट है मेजॉरिटी में। तो आप वीडियो शुरू करती हूँ। ये सारे शर्ट्स मेरे भाई और मेरे पापा के लिए लिए हैं मैंने। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, प्राइसेस स्क्रीन पे होंगे और कौन सा ब्रांड है वो मैं बता दूंगी, बट प्राइसेस स्क्रीन पे होंगे, वो मैं टैग से लेके डाल दूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इससे। ये है मार्क एंड स्पेंसर का, इसका कलर बहुत ही सही है, मुझे लाइट कलर के शर्ट्स अच्छे लगते हैं। ओके, इसी से मिलता जुलता इसका भाई है ये। ये वाला भी है मार्क एंड स्पेंसर का, और उसके बाद है ये सारे शर्ट्स। आई थिंक नॉर्मल जो फिट होता है रेगुलर वही होगा, मुझे नाम ऐसे समझ नहीं आता। एक होता है स्लिम फिट, एक होता है रेगुलर फिट। आई थिंक ये सब स्लिम फिट में आता होगा शायद। ओके, ये रेगुलर फिट में है। ये भी है मार्क एंड स्पेंसर का, जीन्स वाला शर्ट। ये वाला है ली कॉपर का। ये वाला शर्ट मुझे काफी अच्छा लगा, ऐसा शर्ट मुझे भी लेना था बट मुझे मिला नहीं गर्ल्स सेक्शन में, बट मैं ऐसा शर्ट लूंगी। ये मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब सही है, ये बहुत सही लगेगा। उसके बाद है ये वाला, ओके। उसके बाद इधर देखते हैं, मैं एक्चुअली मिक्स नहीं कर रही हूँ शर्ट्स, क्योंकि आई थिंक एक तरफ मेरे पापा और एक तरफ मेरे भाई के शर्ट्स होंगे, तो मुझे पता नहीं है कौन सा अभी किसका है, मुझे देख के साइज समझना पड़ेगा। उसके बाद है ये भी रेगुलर फिट में है, इसका मटेरियल काफी अच्छा है, इसका मटेरियल काफी अच्छा है और शर्ट भी काफी अच्छा लग रहा है देखिए। ये ब्लैक जीन्स पे बहुत सही लगेगा या ब्लैक पैंट्स पे भी बहुत सही लगेगा ये कलर। ओके, उसके बाद है ये वाला कलर, ये ली का है और ये स्लिम फिट में है। ऐसे देख के मुझे ऐसा सच कोई डिफरेंस लग नहीं रहा है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है स्लिम रेगुलर फिट, बट देख के मुझे सब नॉर्मली लग रहा है। ये भी फुल स्लीव्स है, मैंने फोल्ड किया हुआ है। ओके, उसके बाद है ये वाला, ये कलर मुझे बहुत ही सही लगा था। ये वाला भी ली का है, ये भी स्लिम फिट है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वाले जो शर्ट्स हैं ये मेरे पापा के शर्ट्स हैं, इधर वाले आई थिंक मेरे भाई के शर्ट्स थे, तो हमने दो शर्ट्स थोड़े एक जैसे लिए थे। ये वाला है ली कॉपर का, वो जो जीन्स वाला शर्ट था ये उसके जैसा ही है। तो इंटेंशनली नहीं, बट मैं जान के नहीं करती, बट हो जाता है जब भी मैं किसी दो इंसान के लिए कपड़े खरीद रही हूँ तो कुछ ना कुछ मैचिंग उसमें सेम टू सेम अलग अलग साइजेस में आ ही जाता है। ओके, उसके बाद है ये वाला शर्ट, ये है ली कॉपर का, ये थोड़ा देख के लग रहा है समर में पहनने वाले टाइप का। ये वाला शर्ट और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये शर्ट्स दिखाए थे, ये वाला शर्ट्स देख के लगता है कि हाँ ये समर में पहनने के लिए है। ओके, उसके बाद है ये दोनों शर्ट्स, ये बहुत ही डिफरेंट है, ये मार्क एंड स्पेंसर का है, इसका कलर ये बहुत ही डिफरेंट लगा था मुझे, मतलब ये बहुत डिफरेंट है, ये नॉर्मली दिखता भी नहीं है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये पहनने के बाद और भी अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता इसका अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरे पे, बट ऐसे सामने से देखिए ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिफरेंट है। इसमें पूरा मिक्स किया हुआ है ग्रीन और ब्लू को ना बहुत अच्छे से ये
मर्ज हो जा रहा है साथ में, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद है ये वाला शॉर्ट, ये है ली का, ओके। तो ये थे मेरे शर्ट का शॉपिंग कलेक्शन। तो प्राइसेस स्क्रीन पे थे, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तो आप भी अभी समर्स आ रहे हैं, तो समर के लिए जाके शॉपिंग करिए, अपने छोटे भाई के लिए, बड़े भाई के लिए, बहन के लिए, माँ पापा के लिए, किसी के लिए भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।